हे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपना वेट गेन कर सकते हो, मसल्स गेन कर सकते हो, और उस वीडियो में मैंने टोटल 5 टिप्स बताई थी। लेकिन उस वीडियो में मैं सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और जिसकी वजह से मैं उन हर टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उसमें मैंने कुछ 5 पॉइंट्स बताए थे, जो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो था कैलोरी सरप्लस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कैलोरी सरप्लस के बारे में बात करेंगे, ओके? तो आप रेडी हो जाइए जानने के लिए कि किस तरह से आप अपनी वेट गेन की जर्नी स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करोगे, ओके? तो नंबर 1 जो पॉइंट था कैलोरी सरप्लस। तो कैलोरी सरप्लस को समझने के लिए आपको सबसे पहले तो मेंटेनेंस कैलोरी को समझना है। अभी देखो, मेंटेनेंस कैलोरी यानी कि उतनी कैलोरी जितनी कैलोरी खा के आपका वेट ना तो बढ़ता है ना तो वेट आपका कम होता है, तो उतनी कैलोरी को हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। और अभी आपको अगर वेट गेन करना है तो आपको जो भी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी है सबसे पहले तो वो फाइंड करनी है। और फाइंड कहाँ से करोगे, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा जो है मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। देखो वहाँ से आपको क्या एक रफ आइडिया मिल जाएगा सिर्फ, ठीक है? तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड करो वहाँ पे जाके। और जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आए, लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैलोरी है, तो उससे आपको सिर्फ 200 या 300 कैलोरीज ज़्यादा खानी है। 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा मतलब कि 2 से 3 रोटी आप बढ़ा सकते हो, या 2 केले 1 रोटी बढ़ा सकते हो, 1 या 2 कटोरी आप दाल खा सकते हो। तो बस इतना सिंपल है। तो आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरीज ज़्यादा खानी है। अभी क्या करना है, 7 से 8 दिन तक, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आपको यही करना है कि आप आज तक आप जो भी खाना खा रहे थे उस खाने में आपको 200 से 300 कैलोरीज ऐड करनी है। 2 से 3 रोटी या 2 से 3 कटोरी दाल या 2-3 केले, ठीक है? तो उतना आपको ऐड करना है पहले। 1 हफ्ते तक इससे चलने दो, और उसके बाद आपको 1 हफ्ते के बाद अपना वेट चेक करना है। सबसे पहले तो अपना करंट वेट चेक करना है, और वो भी खाली पेट सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, ओके? तो वो आपने अपना वेट चेक किया, उसके बाद 1 हफ्ते तक इस रूटीन को फॉलो करो। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप जो भी खाना खा रहे थे अब तक उसमें जब आपने 200 से 300 कैलोरीज ऐड की तो उससे आपका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और अगर नहीं बढ़ता है तो आपको वापस से 7-8 दिन के बाद वापस से थोड़ा सा खाना ऐड करना है, ओके? तो इस तरह से आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करनी है। अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज एक बार फाइंड कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको अपने जो मैक्रोस है उसका डाइवर्जन करना है, जैसे कि आप कितने प्रोटीन आपको चाहिए, कितने फैट चाहिए, कितने कार्ब्स आपको लेने हैं दिन में, तो वो बाद में आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जाके अपने मेंटेनेंस कैलोरी का आइडिया ले लो, ओके? उसके बाद प्रोटीन कार्ब्स फैट कितना आपको लेना है, उसका डिवीज़न आप कैसे करोगे कैलोरीज का, तो वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अपना जो पहला स्टेप है वो आपको ये करना है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को फाइंड करो अच्छे से। तो गाइस बहुत मज़ा आया मुझे आपको समझाने में, ओके? एंड आई होप कि आप अपनी गेनिंग की जो जर्नी है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट पे लिख लेना, और अगर कोई सजेशन हो कि मैं मेरी वीडियो को किस तरह से इम्प्रूव करूँ, या आपको कौन से टॉपिक चाहिए है आगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या सजेशंस है आपकी, जिससे मुझे और भी पता चले कि आप लोगों की क्या नीड है। एंड थैंक यू सो मच, मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मुझे 1K व्यूज़ मिले हैं, एंड यार वो मुझे उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो अभी मैं और कंसिस्टेंसी से और थोड़ा टाइम निकाल के वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। ऑलराइट, तो जल्दी से जल्दी अपनी गेनिंग की जर्नी को स्टार्ट करो, मैंने जो भी बताया है उसे अच्छे से फॉलो करो, और बहुत ही बढ़िया दिखना है सभी को, ठीक है? अपने मसल्स गेन करो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, एंड मज़ा आएगा जब मसल्स गेन करोगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। एंड हाँ, याद रखना कि 200 से 300 कैलोरीज जो हमें बढ़ानी है उसे हमें डर्टी गेनिंग नहीं करना है, मतलब कि आप फिर कुछ वड़ा पाव या ऐसी कुछ फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, हेल्दी खाना खाना है, 2-3 रोटी या फ्रूट्स केले वगैरह ऐसे करके अपनी कैलोरीज को बढ़ानी है, ना कि तली हुई चीज़ें खाऊं, ये याद रखना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।